कल यहाँ पे पुलिस स्टेशन में फायरिंग हुआ था, जिसका कारण शुरुआत जो है वो दावली गांव की जो जमीन है उसके डेवलपमेंट के एग्रीमेंट के बारे में है। आप पुलिस स्टेशन में हुई है, मुझे डर है जिस तरह से मुख्यमंत्री कार्यालय गुंडों का अड्डा बन गया है, एक दिन मंत्रालय में मुख्यमंत्री के कार्यालय में भी इस प्रकार के हादसे हो सकते हैं। यहाँ पे तो जो देखा जा रहा है इसमें आत्मरक्षा का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जो सामने बैठे हुए जो इंजर्ड लोग हैं वो आराम से वो ये सीसीटीवी स्क्रीन देख रहे थे, वहां झगड़ा नहीं था, कोई प्रोवोकेशन नहीं था, उनका कोई गाली गलौज भी नहीं चल रहा था। वहां पे तो वहां पे एकदम शांति से वो लोग देख रहे थे सीसीटीवी स्क्रीन, और इतने में इन्होंने उठ के निशाना लेके फायरिंग किया है। सर कितनी गोलियां चली हैं, कितने लोग घायल हैं, आरोपी कितने इस बारे में? प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में अभी तक कुल मिला के 10 गोली चली है और 6 गोली जो है वो जख्मी है महेश गायकवाड़ इनके शरीर से निकाली गई है। बात कल्याण की नहीं, बात मुख्यमंत्री शिंदे के गृह जिले की है, उनके घर में यह फायरिंग हो रही है एक विधायक की, और विधायक बोलता है खुलेआम कि मुख्यमंत्री शिंदे ने मुझे मजबूर किया फायरिंग करने के लिए, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। इस निवेदन पर एक विधायक बोल रहा है सत्ताधारी पार्टी का, और ये बोल रहा है अगर मुख्यमंत्री शिंदे रहेंगे पद पर तो महाराष्ट्र में सिर्फ गुंडों की ही पैदाश होगी।